हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो थॉमस एक्विनास को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को डिटेल में समझ लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो उसको जाकर, जिसमें हमने डिटेल में समझा था फोर लॉस को, दैट इज़ इटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, देन नेचुरल लॉ एंड द ह्यूमन लॉ। इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड द रिलेशन बिटवीन द चर्च एंड स्टेट। ये थोड़ा डिटेल में आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है गाइस, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं फिर से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ एक्विनास महोदय का, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस। तो एक्विनास जो थे वो नेपल्स की एक फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड वो डोमिनिकन ऑर्डर, जो मॉन्क सिस्टम था वहाँ का, उसे ज्वाइन करने की विलिंगनेस रखते थे। दो की फैमिली वॉज अगेंस्ट दिस, फैमिली ने नहीं कंसीडर करना चाहा इसे, बट फाइनली वो एनी हाउ ज्वाइन करते हैं डोमिनिकन ऑर्डर को, जो वहाँ का मॉन्क सिस्टम था। ओके, और इस तरीके से उन्होंने कोशिश की, जो उस टाइम पे दो डिफरेंट ट्रेडिशन चल रहे थे ना, जो 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 ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आइडिया था ऑगस्टाइन का रिलीजियस आइडिया, देन एरिस्टोटल का जो थियोलॉजिकल व्यू था, तो दोनों में का जो शार्प डिफरेंसेस थे, और इसी को रिकॉन्साइल करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे थॉमस एक्विनास। एंड इसी की वजह से थॉमस एक्विनास सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम उन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल का थियोलॉजिकल व्यू क्या था कि जो ह्यूमन बींग के एक्शंस है उसका एक पर्पज होता है, एंड होता है, और वो एंड क्या होता है, हैप्पी लाइफ को परस्यूट करना, इसलिए ह्यूमन बींग एक्शन लेता है। ऑगस्टाइन का जो व्यू था वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग है ये पहले गॉड के किंगडम का ही पार्ट था, मतलब, लेकिन गॉड के किंगडम में जिन लोग, जो पापी लोग थे ना, जो सिन को कमिट कर रहे थे, वो पापी लोगों को गॉड के किंगडम से सेपरेट करके ह्यूमैनिटी के किंगडम में ला दिया गया, और अब इन ह्यूमन बींग को ज़रूरत है सॉल्वेशन की, मोक्ष की, मुक्ति की, ताकि हम फिर से गॉड के किंगडम को ज्वाइन कर पाएँ। तो ये दो डिफरेंट ट्रेडिशंस थे, और इन्हीं के दोनों के आइडियाज़ को रिकॉन्साइल किया गया है किसके द्वारा, थॉमस एक्विनास के द्वारा। तो इसलिए एक्विनास बहुत ही पॉपुलर हैं। तो ये इनका कंसेप्ट था नेचुरल लॉ का, जो हमने डिटेल में समझा है। आप अगर आपको नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। सो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ पर हम आज समझेंगे ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो ओरिजिन ऑफ द स्टेट बेसिकली कुछ सम हाउ किससे लिंक्ड है, एरिस्टोटल। आपको पता है कि जो एक्विनास महोदय हैं वो एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे ना। तो अपनी राइटिंग ऑन किंगशिप में जो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है ओरिजिन ऑफ द स्टेट का, वो किससे मिलता जुलता है, एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट से। तो जैसे एरिस्टोटल भी कहते थे ना कि ह्यूमन बींग जो स्टेट है दैट इज़ नेचुरल, ओके, और ह्यूमन बींग के डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए स्टेट बना हुआ है। सो जो थॉमस एक्विनास महोदय हैं ये भी कहते हैं कि स्टेट क्या है, इट इज़ अ नेचुरल। और क्यों नेचुरल है, क्योंकि सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है ह्यूमन बींग, जो ग्रुप में रहना चाहता है, एंड जो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी हैं वो किसकी तरफ ओरिएंटेड होती हैं, फॉर दी गुड के लिए। ओके, सो एक्विनास फर्दर लाइक एरिस्टोटल कहता है कि जो रूट्स पीपल्स पॉलिटिकल नेचर हैं इन देयर कैपेसिटी टू रीजन एंड टू स्पीक, जो रूट्स हैं ना पॉलिटिकल नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग की, वो किस पर डिपेंडेंट, उसकी रूट्स कहाँ से लिंक्ड है। सो ह्यूमन बींग जो रेशनल ह्यूमन बींग है, और जो बोलने, उसको समझने, सोचने समझने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, कम्युनिकेट कर ले रहा है, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से क्या है, ह्यूमन बींग ग्रुप में रहना चाहेगा, उसका सोशल एंड पॉलिटिकल नेचर बनकर आता है भाई। पॉलिटिकल, ये एरिस्टोटल ने भी कहा है ना कि ह्यूमन बींग क्या है, पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल है। और तो एक्विनास कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल है ह्यूमन बींग, तो क्यों है, क्योंकि उसके पास रीजन है, रेशनैलिटी है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो रीजन्ड एक्शंस लिए जाते हैं इन पॉलिटिकल स्फीयर में, राइट, दैट ह्यूमंस अचीव वर्चू, और इस तरीके से ह्यूमन एक हैप्पीनेस एंड फुलफिल्ड लाइफ जीता है। सो स्टेट इज अ मोरल कम्युनिटी, जो मोरल गुड ऑफ द कम्युनिटी को अचीव करना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेट है वो नेचुरल कैसे है. सो ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऐसा नहीं हुआ है जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और फिर स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, या जो मार्क्सिस्ट पीपल हैं वो कहते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टेट बनाया गया आर्टिफिशियली. तो जो एक्विनास महोदय हैं वो इनके व्यूज़ मिलते जुलते हैं एरिस्टोटल के ओरिजिन ऑफ द स्टेट के व्यू के साथ में, जहाँ पर दोनों एग्री करते हैं कि स्टेट नेचुरल है क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे रीज़न है, रेशनैलिटी है, सोचने समझने की क्षमता है. तो उन्हें पता है कि ग्रुप में रहना हमारे फ़ायदे में है, स्टेट कम्युनिटी पॉलिटिकल कम्युनिटी में रहना हमारे लिए फ़ायदे में है. क्यों? क्योंकि तभी हम हैप्पीनेस हैप्पी लाइफ एंड फुलफिल्ड लाइफ को जी सकते हैं, हम वर्चू को अचीव कर सकते हैं, मोरल कम्युनिटी बना सकते हैं. सो गेटिंग इट्स जो ह्यूमन बींग है वो बाई नेचर एक सोशल एनिमल है या पोलिटिकल एनिमल है, जिसकी वजह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आया. ओके, तो ये दिस इज द बेसिक आइडिया. नेक्स्ट है वॉट इज द रोल ऑफ द स्टेट. तो एक्विनास के अकॉर्डिंग जो स्टेट का रोल है दैट इज प्रमोटिंग द मोरल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो ह्यूमन बींग है उसकी मोरल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को प्रमोट किया जाए. ओके, नेक्स्ट कहते हैं एक्विनास महोदय कि जो स्टेट है उसको इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू एंड द पर्स्यूट ऑफ विजडम, और इस तरीके से रोका जा सकता है करप्शन को. राइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मोरल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के एस्पेक्ट पे स्टेट को काम करना चाहिए, वर्च्यू की प्रैक्टिस को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए. जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर किया जाए एंड प्रमोट किया जाए कॉमन गुड को. सो दीज आर द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट जो होनी चाहिए एक्विनास महोदय के अकॉर्डिंग. तो रोल ऑफ द स्टेट क्लियर हो गया आपको, इन्हीं वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है फर्दर. अब आते हैं थॉमस एक्विनास ने क्लासीफाइड किया है जो गवर्नमेंट को, तो क्लासीफिकेशन देखते हैं. तो एक्विनास महोदय कहते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो मोनार्की है, उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी, देन डेमोक्रेसी, उससे बेकार फॉर्म है, लीस्ट डिजायरेबल है. तो मोस्ट डिजायरेबल क्या है? मोनार्की. अब मोनार्की क्यों डिजायरेबल है थोड़ा देख लेते हैं इसे. तो मोनार्की एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर एक सिंगल पर्सन के रूप में हेल्ड किया जाता है, जैसे किंग हो गया फॉर एग्जाम्पल या क्वीन हो गई, यूजुअली किंग एंड क्वीन. तो एक्विनास महोदय कहते हैं कि मोनार्की क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंड इफिशियंट लीडरशिप प्रोवाइड करती है, क्योंकि सिंगल पर्सन के हाथ में पावर है तो डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक होगी एंड बोल्ड होगी. नेक्स्ट कहते हैं जो एक्विनास महोदय हैं वो कहते हैं जो एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जहाँ पर जो पावर है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा हेल्ड की जाती है, सिंगल पर्सन नहीं जैसे कि मोनार्की में, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, 2, 3, 4 या 5, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स है और दीज आर दी नोबल्स या लीडर्स जो इनके पास पावर होती है. तो एरिस्टोक्रेसी क्या है? ये गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है बट बेस्ट नहीं है. बेस्ट क्या है? मोनार्की है. तो इनका फर्दर कि गुड क्यों है? क्योंकि ठीक है ये बैलेंस इस्टेब्लिश करती है इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास एंड द कॉमन पीपल, इसलिए ठीक है, गुड है ये. डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो पावर है ना वो लोगों के द्वारा हेल्ड की जाती है, लोगों के पास पावर होती है एज अ होल, और दिस इज द लीस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें इनस्टेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होती है क्योंकि पावर मासेस के पास है, तो लीडरशिप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. सो मासेस आर इल इक्विप्ड टू मेक वाइज डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. जो मासेस हैं वो अच्छे या वाइज डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है, तो इसलिए ये लीस्ट डिजायरेबल हो गई. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट समझ में आया कि मोनार्की क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, एंड देन फॉलोड बाई एरिस्टोक्रेसी, देन डेमोक्रेसी, दैट इज द लीस्ट डिजायरेबल. नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट. तो चर्च एंड स्टेट के रिलेशन के बीच में अगर आप देखेंगे तो थॉमस एक्विनास कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है चर्च एंड स्टेट के बीच में दैट इज कोऑपरेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री. कोऑपरेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है.
इसलिए दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और इनके बीच में कोऑपरेशन डिज़ायर किया जाता है, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की। तो क्यों ऐसे हैं, क्यों ये कहते हैं कि कोऑपरेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ईच इंस्टीट्यूशन हैड इट्स ओन डिस्टिंक्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक इंस्टीट्यूशंस के अपने रोल हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और दोनों ही नेसेसरी हैं फॉर द वेल बींग ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी में अगर अच्छा काम करना है, प्रोग्रेस करना है, राइट, प्रॉस्पेरिटी लाना है, तो दोनों ही इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है। सो चर्च रिस्पॉन्सिबल है स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द पीपल के लिए, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। जो स्टेट है वो इम्पॉर्टेंट है टेम्पोरल वेलबींग ऑफ द पीपल्स के लिए, राइट, जो मटीरियल नीड्स हैं, जो अदर नीड्स हैं ह्यूमन बींग की, उनको प्रोवाइड करना। तो दोनों ही एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए और दोनों ही इंस्टीट्यूशन अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं ताकि ओवरऑल हम सोसाइटी का वेलबींग अचीव कर सकें। सो बोथ द इंस्टीट्यूशन आर नेसेसरी फॉर द कॉमन गुड एंड दे शुड वर्क टुगेदर टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, गेटिंग इट। तो ये है रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट के बारे में। तो एक्नास महोदय फर्दर कहते हैं कि जो चर्च है ना, उसको क्या करना चाहिए, मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट को, और स्टेट को अकाउंटेबल होल्ड करे इन केस अगर स्टेट नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में जाता है। जब हम नेचुरल लॉ की थ्योरी पढ़ रहे थे एक्नास महोदय की, तब हमने देखा था एक्नास कह रहे थे कि जो ह्यूमन लॉ है ना, जो इनैक्ट किए जाते हैं ह्यूमन बींग के द्वारा, ह्यूमन लॉ को इन अकॉर्डेंस टू होना चाहिए नेचुरल लॉ के, मतलब नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए ह्यूमन लॉ। और ये स्थिति को कौन इंश्योर करेगा, जो रूलर होगा। तो रूलर को चाहिए कि ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसे लॉज इनैक्ट किए जाएं जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में ना हो। तो यहाँ पर भी वो इकोनॉमिक्स महोदय कह रहे हैं कि भाई इस चर्च को ना एक सर्वेलांस रखना चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए स्टेट पर, ताकि जो स्टेट लॉ बना रहा है वो कहीं नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में तो नहीं है। ऐसे मॉडर्न टाइम पे जो हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं ना, जिसमें जो हमारी लेजिस्लेचर है जो लॉ बना रही होती है, तो उसमें ज्यूडिशरी कीप एंड चेक रखती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर पार्लियामेंट लॉ बना रही है कि नहीं मॉडर्न टाइम पे। तो एक्नास अपने टाइम पे चर्च को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे कि स्टेट को मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करें और ये ध्यान रखें कि जो स्टेट है वो नेचुरल लॉ के आधार पर रूल कर रहा है कि नहीं। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। नेक्स्ट, स्टेट शुड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ चर्च इन मैटर ऑफ फेथ एंड मॉरल्स। तो जब फेथ एंड मॉरल्स की बात आए तो स्टेट को इंटरफेयर मत करो, वहाँ पर चर्च की अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ चर्च को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि चर्च को ना जो स्टेट के डे टू डे अफेयर्स हैं उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप। सो इन कंक्लूजन यू कैन से दैट कि जो चर्च एंड स्टेट की रिलेशनशिप है, ये कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की के सपोर्ट सिस्टम है, दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है वेलबींग ऑफ द सोसाइटी और दोनों ही काम कर रहे हैं इकट्ठे मिलकर कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए। चर्च काम कर रहा है स्पिरिचुअल साइड में, जो स्टेट है वो काम कर रहा है मटीरियल साइड में। तो दोनों को क्या चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनाए, राइट। तो ये था चर्च एंड स्टेट का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू एक्नास महोदय, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आपको कंटेंट वर्थफुल लगता है तो, एंड दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।